स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों हम आपकी मुलाकातें कैसे व्यक्तित्व से करवा रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही जाना पहचाना और लोकप्रिय चेहरा है, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हों, उनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो समाज कल्याण में लगा हुआ है। उनका अब तक का जीवन जो है वो समाज सेवा, जन सेवा को समर्पित है। मेरी मुराद है एकता मिशन के चेयरमैन पवन मूंगा जी से। पवन मूंगा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, जब भी कोई युवा समाज में आगे बढ़ता है, उसकी दिशाएं अपनी निर्धारित करता है, तो आपने समाज सेवा का मार्ग चुना, तो आपको सबसे पहले ये बताइए कि आपके जीवन में प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अनिल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शरदे मदन लाल खुराना जी से प्रेरणा मिली। मैंने देखा जिस तरह वो जनता की सेवा करते हैं, जिस तरह वो समाज में लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने अपने मन में ठाना कि मैं श्री मदन लाल खुराना जी के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा उस खुराना परिवार जी से। जब भी चुनाव होते थे मैंने देखा है कि आप उनके साथ होते थे, तो एक के व्यक्तित्व का इतना जबरदस्त प्रभाव कि आपने अब तक का जीवन पूरा समर्पित कर दिया। अच्छा, तो एकता जो मिशन है, इसकी स्थापना आपने कब की? हरीश जी, ऐसा है, 25 अप्रैल 2000 में मेरे मन में विचार आया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसा मिशन बनाया जाए जो खुले मन से, खुले विचारों से समाज में काम कर सके जी। तो मैं श्री नरेंद्र चंचल जी के घर गया और उनसे मैंने आग्रह किया कि चंचल जी, एक संस्था मैंने बनाई है एकता मिशन, मैं उसमें आपको चेयरमैन नियुक्त करता हूँ और हम इस संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्य करेंगे। उसके बाद हरीश जी, मैंने सोचा भी नहीं था, माता रानी की ऐसी कृपा रही कि उस संस्था में श्री केवल किशन कुमार जी, श्री अरुण जेटली जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, आज तो देश के बड़े नामी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। ये पहली संस्था ऐसी है जिसमें भारत रत्न, पद्मा विभूषण, पद्माश्री सभी वर्ग के लोग हैं। लता मंगेशकर जी किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ी, लेकिन वो हमारी संस्था के साथ हैं। आज हम इस एकता मिशन को 21 साल हो गए चलाते हुए। आज एकता मिशन साल में 12 कार्यक्रम करती है और प्रत्येक वर्ष एक स्मारिका निकालती है जिसमें उस साल के कार्यक्रमों की रूपरेखा होती है। अच्छा, 21 वर्ष की निरंतर दिन रात की यात्रा में क्या क्या अनुभव रहे और जो 12 कार्यक्रम करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। हरीश जी, सबसे पहले तो जो हमारे अनुभव रहे उसमें ये रहा कि लोग वाकई सामाजिक कार्यों में जुड़ना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई संस्था कार्य कर रही है, कोई संगठन कार्य कर रहा है, तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हम जनवरी में हमने एक द क्लॉथ बैंक बनाया है, उससे हम गरीब ज़रूरतमंद लोगों को कंबल, स्वेटर, जैकेटें बांटते हैं। उसके बाद फरवरी में हमारा एकता मिशन सिंगल सितारों की खोज ऑडिशन होता है। मार्च में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अप्रैल में हमारा फिर ऑडिशन होता है एकता मिशन सितारों की खोज। मई में कांवड़ सेवा के लिए, अभी तो कोविड के कारण कांवड़ सेवा नहीं हो रही, लेकिन हर साल कांवड़ सेवा का कार्यक्रम होता था। इसी तरीके से जून में जो लोग अमरनाथ जाते हैं उनके लिए हम सेवा करते थे। जुलाई में हम एक कार्यक्रम करते हैं पंजाब केसरी के साथ मिलकर, आपको पता है, बुजुर्गों को अनाज और ज़रूरतमंद चीज़ें देने का। उसके बाद अगस्त में हम ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं। इसी तरीके से सितंबर में हमारा फिर एकता मिशन सिंगल सितारों की कोई ग्रैंड फिनाले होता है। अक्टूबर में हमारी स्मारिका का विमोचन होता है, जो इस बार जनवरी में हो रहा है ड्यू टू कोविड। इसी तरीके से नवंबर में, अभी हमने पिछले 2 साल से कोविड का काम किया, जो कोविड महामारी आ गई। पवन जी, आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। आपको समाज में आपकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बंगलुरु में आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? हरीश जी, ये सामाजिक कार्यों को देखते हुए जो मुझे डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। माता रानी का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, ये जो मुझे मिला है ये मिलता रहे और मैं इसी तरह काम करता रहूं। इस उपाधि को मिलने से मुझे ये लगा है कि अगर आप समाज में काम करते हैं तो समाज आपके कार्यों को देखती है और सराहती है। हाँ, समाज निश्चित रूप से आपकी पहचान बनी है, आपको समाज ने स्वीकार किया और समाज आपका अभिनंदन भी करता है।
आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।